जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यशायाह भविष्यवाणी का पुस्तक 12 अध्याय का दूसरा वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आखिरी दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे चेतावनियां दी है, खास करके लूका रचना समाचार 21 अध्याय का 26 वचन में बहुत सारे चेतावनियों के बारे में कहा है, उसमें ध्यान से हम देखेंगे। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाला घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आखिरी दिन की विपत्ति के बारे में परमेश्वर ऐसे इनको चेतावनी दिया, एक डर आ सकता है। मनुष्य जितने भी चाहे आविष्कार करें, चंद्रमा में जाए, सारे ग्रहों में जाके घूम कर भी आ सकता है। इतनी आविष्कार किया है, इतना उनका दिमाग बढ़ गया है, चाहे मनुष्य ने इतनी आविष्कार किया है, लेकिन दुनिया में ऐसे खतरे आने वाली है, उस खतरों से मनुष्य बच नहीं सकता है। इतनी विपत्तियां अचानक आने वाली है, उस सारी विपत्तियों से मनुष्य को बच निकलना इतनी आसान नहीं है। इसलिए मनुष्य का मन में एक डर छाया हुआ है, उस डर कभी भी निकल नहीं सकता है। चाहे मनुष्य के पास इतना साधन रहने के बावजूद भी आने वाला मुसीबतों से मनुष्य डरता है। बहुत लोगों का कहना है आने वाला दिन के बारे में मुझे बहुत डर लगता है। इसका मतलब यही है, मनुष्य डर से कभी बच नहीं सकता है। आज मनुष्य के लिए भविष्य के बारे में डर है, काम के चलते डर है, शैतान के चलते डर है, बीमार के चलते डर है, कमजोरी के चलते डर है, दुनिया की जिंदगी के बारे में डर है, आने वाला भविष्य क्या होगा, कैसे मैं जीऊंगा, कैसे मैं बच निकलूंगा। इसलिए यीशु ने कहा, ये सारे विपत्तियों को देख मनुष्य का दिल घबरा जाएगा। शायद बाहरी रूप में आपको हिम्मत जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही घबराहट है, डर है। इसलिए यीशु ने कहा, तू कभी मत घबराओ, ना डरो, मैं तुम्हारे संग रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।